बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरबिया से लाइव हूँ जी आपके साथ। मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। सऊदी अरबिया इंटरनेशनल फ्लाइट्स को लेकर भाई सोशल मीडिया के ऊपर एक नई खबर वायरल की जा रही है, यानी कि वायरल हो चुकी है। बहुत से मेरे भाई इस फॉर्म को डाउनलोड कर रहे हैं, इसकी तरकीब पूछ रहे हैं, कैसे डाउनलोड होगा भाई, इसको फिल कैसे करेंगे, कहाँ रब्ता करें, ये करें वो करें। उन ममालक के लिए जैसा कि पाकिस्तान और इंडिया के फ्लैट्स बंद हैं, या पाकिस्तानी और इंडियन भाई भी, यानी कि उन मालिक के लिए जिनकी फ्लैट्स बंद हैं, वहां से आप डायरेक्ट सफर कर सकेंगे सऊदी अरेबिया का। डायरेक्ट आपको पता है जी, आपका अगर वाई के साथ आ रहे हैं तो आपको किसी भी दूसरे कंट्री में जिसकी फ्लैट्स ओपन है सऊदी अरेबिया के लिए, वहां पर आपको 14 दिन से जायद का स्टे करना होता है, उसके बाद आप सऊदी अरेबिया में आ सकते हैं। लेकिन ये वाई के साथ भी नहीं भाई, डायरेक्ट सीधा पाकिस्तान या इंडिया से आप डायरेक्ट सऊदी अरेबिया पहुंच सकते हैं जी। अच्छा, मैं आपके साथ ये न्यूज़ यहाँ पर आपको वो मुकम्मल फार्म वगैरह जो डिटेल वगैरह उसकी वो भी दिखाऊंगा, और इसके मतलब जो शराइत वगैरह रखी गई हैं वो भी आपको चेक करवाता हूँ। और उसके बाद आपको भाई एक चीज़ मैं बताऊंगा कि इस न्यूज़ में कितना सच है कितना झूठ है, आप भाइयों को इसके ऊपर अमल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको मैं वो दिखाना चुका हूँ, यानी कि वो फार्म वगैरह या जो भी डिटेल है उसके मतलब आ चुकी है। आपको वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी चाहिए जी। आपको भाई एक फार्म है जी सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है, आपके आपका कफील ले सकता है, आपकी कंपनी ले सकती है, आपका जो भी यहां पर बंदा मसूल है यानी कि आपका, वो ले सकता है और वो फार्म फिल करेगा आपके नाम के ऊपर, सऊदी गवर्नमेंट को जमा करवाएगा। 10 दिन का टाइम होगा, 10 घंटों का नहीं भाई, 10 दिन का। इस चीज को भी अपने जहन में रखिएगा, क्योंकि झूठ भाई या सच ऐसे नहीं पकड़ता है। अगर कोई बंदा सच बोल रहा हो तो फिर तो ठीक है, अगर कोई झूठ हो तो झूठ वाली बात में से पॉइंट पकड़े जाते हैं। 10 दिन का टाइम होगा, 10 दिन के बाद आपको हां या ना बोला जाएगा कि ये बंदा आ सकता है या नहीं आ सकता है। इनमें खास बंदे बोले जा रखे हैं जी, कोई इंजीनियर वगैरह है या किसी बंदे को किसी खास बंदे की जरूरत है, उसके बगैर उसका काम नहीं चल रहा है, वो उसके लिए अप्लाई कर सकता है। और इसके अलावा आगे शर्त लिखी हुई है, शर्तें काफी हैं, मैं आपको पढ़कर भी सुनाता जाऊंगा। आप भाई डायरेक्ट सफर कर सकेंगे जैसा मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, क्वारंटाइन वगैरह के मतलब बताया जा रहा है कि आपको क्वारंटाइन भी नहीं करना होगा, सिर्फ 7 दिन का होगा, और वो भी आप भाई अपने घर में करेंगे, आपकी जहां रहाइश है, यानी कि आप जद्दा में उतरते हैं, आप मदीना में रियाज में काम लगे हुए, मदीना रियाज जाएंगे जी, और वहां पर जाकर अपने घर में अपने अलहदा रूम में आप क्वारंटाइन करेंगे। तवक्कलना के ऊपर आप अपना स्टेटस अपडेट करेंगे। आप अगर पहले से आपके पास डाउनलोड है तो आप एयरपोर्ट के ऊपर उतरते ही उसे अपडेट कर लेंगे, या डाउनलोड करके भाई अपना स्टेटस व्हाट्सएप वहां पर अपडेट करेंगे। उसके बाद आपके ऊपर जो इकामा वगैरह है, जो शिरका वगैरह या मुसस्सा वगैरह है, आपके महना है जो उस, वहां पर शिरका या मुसस्सा नहीं लिखा होना चाहिए, वहां पर मसना लिखा होना चाहिए। अच्छा, इसके मतलब थोड़ी डिटेल बता दूं मैं भाई। अक्सर खास बंदों को पहले मैं बता चुका हूं, अक्सर बंदों के मायने होते हैं आमल निजाफा, मुनासबात, साय खास, अक्सर बंदों के मायने होते हैं जी फनी के, इलेक्ट्रॉनिक, फनी इलेक्ट्रॉनियात, फनी इंजीनियरियात, ऐसे मायने वाले बंदे बोले जा रखे हैं। इससे आगे मैं आपको मुकम्मल डिटेल भाई समझा देता हूं, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। आगे लिखो है, कंपनी आपकी रेड नहीं होनी चाहिए। पहले बोल रहे हैं जी आपके कंपनी के या मुसस्सब का नहीं होना चाहिए, वहां पर अभी ये बोल रहे हैं ये कंपनी रेड नहीं होनी चाहिए, और ये वो शरायत हैं जो यहां पर लिखी हुई हैं। अच्छा, आपकी तो पर स्टेटस आप अपडेट करेंगे 72 और 72 घंटे पहले, आपको फ्लैट से पहले, यानी कि पाकिस्तान या इंडिया से आ रखे हैं तो आपको 72 घंटे पहले अपना PCR टेस्ट करवाना होगा। ठीक हो गया जी। फार्म है यहां पर, शायद अभी आपको फिर से दिखा रखा हूं, ये फार्म है जी, वो आप इसको भाई मुफ्त बंदे बोल रहे हैं इधर से डाउनलोड करो उधर से डाउनलोड करो। तो भाई पहले नंबर पर तो बात यह करूंगा मैं कि सऊदी अरेबिया लाइफ के नाम से एक फेसबुक पेज है जी, उसके ऊपर यह खबर नशर की गई है। उनकी भाई खबरें सच होंगी, मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब मैंने यह खबर पढ़ी है उसके बाद मैंने भाई वजारत दाखिलिया का पेज खोला है ट्विटर के ऊपर। सऊदी अरेबिया इंटरनेशनल फ्लैट्स को लेकर जब भी कोई भी नंबर खबर आती है, सबसे पहले वजारत दाखलिया के पेज के ऊपर नशर की जाती है, उसके बाद ही सऊदी अरेबिया लाइफ है, मेरा चैनल है, उसका चैनल है, वो बंदा है, वो उसके बाद लगाएंगे। ये मैं आपको क्लियर कर दूं, मैंने वजारत दाखलिया का भाई पूरा अकाउंट चेक कर दिया, वहां पर मुझे कोई भी किसी किस्म की इस चीज से रिलेटेड कोई न्यूज ही नहीं मिली है। ठीक हो गया जी। अभी बात कर लेते हैं इन शरायत के ऊपर, जो 10 दिन का टाइम दिया गया है।
तो बिलाल अकबर साहब तो भाई 23 अगस्त को मुलाकात कर रहे हैं सऊदी काका के साथ, तो भाई फार्म भी जमा करवाएंगे फिर भी 10 दिन वेट करेंगे, ये कैसा भाई कानून है? तो भाई इसमें कोई भी किसी किस्म की अभी सच्चाई नहीं है। वजारत दाखलिया का मैंने आपको पूरा ट्विटर अकाउंट चेक करवा दिया है, इस न्यूज में अभी तक कोई भी किसी किस्म की सच्चाई नहीं है। हाँ, आने वाले वक्त में 2-4 दिन बाद वजारत दाखलिया खुद से ऐसा कोई बयान दे जो इससे मिलता जुलता हो या इससे रिलेटेड हो, तो वो आपके साथ मैं फिर पूरी तफसील के साथ शेयर करूंगा। अभी तक भाई ये सिर्फ एक न्यूज है, एक खबर है जो वायरल की जा रही है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है।